हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मानसी। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो कि आपके पास है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। कल हमने इससे पहले की वीडियो में हमने रोस्टर फॉर्म पढ़ा था, अब हम सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके पास रोस्टर फॉर्म में गिवन है 369। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, तो इट मीन्स इसको आपको वर्ड्स के अंदर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट ए सेट इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू, क्या है हमारे पास यहाँ पर एक्स क्या है? देखो ध्यान से देखिए, 3, 6 n, तो 3 के मल्टीपल्स हैं, तो 3 n। अब n की कंडीशन लिख देंगे कि n की कंडीशन आपकी कहाँ तक लाई करिए। जैसे मैंने n को 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, ठीक है, 3, 6, 9 और यहाँ पर 12 भी है, ठीक है। तो मैंने n को 1 से लेकर 4 तक पुट किया, तो इट मीन्स n की वैल्यू लाइंग बिटवीन 1 to 4 है। चेक कर लीजिए, 1 पुट करोगे 3, 2 पुट करोगे 6, 3 पुट करोगे तो 9, 4 पुट करोगे तो 12, ठीक है। अब इस सेट के बारे में लिखेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये 2 है, ठीक है, 2 to the 1 हो गया। 4 क्या हो गया? 2 to the 2 हो गया। 8 क्या हो गया? 2 to the 3 हो गया, ठीक है। 16 क्या हो गया? 2 to the 4 हो गया। 32 क्या हो गया? 2 to the 5 हो गया। तो इट मीन्स ये 2 की पावर आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे? x सच दैट x इक्वल 2 to the power n। अब हम यहाँ पर n की वैल्यू लिख देंगे, और n क्या है? बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स है, तो n की वैल्यू कहाँ से लाई करी है? 1 to 5 के बीच तक की लाई करी है, तो इसके अंदर ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? ये 5 1 है, 25 क्या होता है? 5 to the 2 होता है। 125 क्या होता है? 5 to the 3 होता है। 625 क्या होता है? 5 to the power 4 होता है। तो यहाँ पर हमारा सेट कैसे बनेगा सेट बिल्डर फॉर्म में? एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 5 to the n, n बिलोंग्स टू हमारे यहाँ नेचुरल नंबर हो गए, तो n की वैल्यू कहाँ लाई करिए? 1 to 4 के बीच में लाई करिए। पुट कर लीजिए n को 1, 5, 2, 25, 3, तो इसका आपको वर्ड्स के अंदर मीनिंग लिख देना है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? सीधा सीधा दिख रहा है 2, 4, 6 डैश डैश है, तो इट मीन्स ये 2 के मल्टीपल्स हैं, तो 2 के मल्टीपल्स हैं, तो इट मीन्स दैट आर इवन नंबर। तो हम इसको क्या लिखेंगे? ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2 n, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 2 n, एंड n जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है किसको? नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, जैसे n को 1 पुट करोगे, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? इवन नंबर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। अब 1, 4, 9, 100, अब इसको देख ली, 1 1 का होता है स्क्वायर, 4 किसका होता है? 2 का होता है, 9 किसका होता है? 3 का होता है, अप टू डैश डैश 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है। तो जब मैं इसको वर्ड्स में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी? एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारे पास काउंटिंग में आने हैं, इट मीन नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। तो मैं इसको क्या लिख देती हूँ? एन का स्क्वायर लिख देती हूँ, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एन की वैल्यू कहाँ तक वैरी कर रही है? 1 to 10 तक वैरी कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म बहुत ही ईजी है, कि जो भी आपको ब्रैकेट के अंदर दिखे उसका आपको मीनिंग लिख रहा है, मतलब वो क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं, 2 की पावर है, या नेचुरल नंबर्स हैं, या ओड नंबर्स हैं, इस टाइप से लिख।